नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान 3 मार्च को है। छठे फेज के लिए जारी प्रचार 1 मार्च की शाम 6 बजे रुक जाएगा। छठे फेज में प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। छठे फेज के प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गोरखपुर और कांग्रेस राष्ट्र अध्यक्ष महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इटावा, शोहरतगढ़, फरेंदा और बस्ती में मतदाताओं के बीच जनसंपर्क करेंगी। तो आज छठे चरण का प्रचार थम जाएगा और सभी दिग्गज चुनावी मैदान में पूरा जोर शोर लगाएंगे, जनता के बीच जनसभाएं करेंगे, जनता के बीच जाके अपनी पार्टी की नीतियां बताएंगे, विपक्ष पर जमकर निशाना साधेंगे। तो आज छठे चरण का जो प्रचार है वो थमने वाला है और छठे चरण के जो मतदान है वो 3 तारीख को होने वाले हैं और 3 तारीख के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया और आज जब अंतिम दिन है तो आज भी पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे सभी दिग्गज। बता दें कि आज सभी के कहीं ना कहीं कार्यक्रम निर्धारित हैं। अगर बात करी जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की तो वो छठे फेज के प्रचार के लिए जाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गोरखपुर में दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शोहरतगढ़, फरिंदा और बस्ती में मतदाताओं के बीच जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगी। तो वहीं आखिरी 2 चरण रह गए मतदान के, जहां 2 चरण काफी अहम माने जा रहे हैं। जैसे जैसे अंतिम चरण की तरफ चुनाव बढ़ रहा है, काफी दिलचस्प होता जा रहा है। छठे चरण का चुनाव है और छठे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थमने वाला है। इसमें सबसे अहम सीट है गोरखपुर। गोरखपुर में इस बार चुनाव है और गोरखपुर में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर की सबसे अहम चीज ये है कि वहां पे सीएम के चेहरे को देखते हुए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनके चेहरे को देखते हुए हमेशा जीत मिलती है प्रत्याशियों को, लेकिन जब इस बार वो खुद चुनावी प्रचार के लिए उतरे, चुनावी मैदान में उतरे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो काफी अहम हो गया है जनता के लिए। जो ये वोट इस बार पड़ने वाले, जिस तरह से सपा ने अपने कैंडिडेट को उतारा है और बाकी विधानसभाओं में भी जिस तरह से बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है और खुद सीएम योगी इस बार चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के तौर पे गोरखपुर में प्रचार भी करते हुए नजर आए, तो इसका जो असर पड़ने वाला है वो काफी दिलचस्प होगा देखना कि आखिर बीजेपी और सपा के बीच जो टक्कर देखने को मिली गोरखपुर में उसका क्या असर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बात करी जाए अखिलेश जिस विधानसभा से उतरे, मैनपुरी करहल सीट से, तो वहां पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे काफी अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे थे कि अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा चेहरा रहे अखिलेश, जो कि एक पार्टी के प्रमुख हैं, तो उनको टक्कर देना कहीं ना कहीं मुश्किल है। और इसी तरह से अगर गोरखपुर की बात करी जाए तो कितना ही मजबूत उम्मीदवार क्यों ना उतार दिया जाए, सीएम योगी को टक्कर देना मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर को देखते हुए सदर सीट से, खासतौर से सदर सीट से गोरखनाथ मंदिर को देखते हुए वोट पड़ते हैं। सीएम योगी के चेहरे को देखते हुए हमेशा वोट पड़ते हैं, वो प्रचार के लिए उतरते हैं, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं, वोट की अपील करते हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वोट पड़ते हैं। तो इस बार जब खुद सीएम योगी वहां पे उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो एक तरफा जाता दिख रहा है अगर सीएम योगी की बात करी जाए तो, क्योंकि उनके सामने अगर सपा का कितना ही अच्छा कैंडिडेट उतार दिया जाए, हालांकि टक्कर अच्छी होगी, वोट का बिखराव जरूर होगा इस बार के मुद्दों को देखते हुए, लेकिन अगर बात करी जाए सीएम के गढ़ की तो वहां पर चुनौती देना मुश्किल होगा सभी पार्टियों के लिए सीएम को। 10 जिलों के 57 सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। आज महासंग्राम देखने को मिलेगा, जिस तरह से जनसभाएं होंगी और सभी दिग्गज आज जनता के बीच मौजूद रहकर जिस तरह से जनता को लुभाने के लिए कई दावे वादे करेंगे, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा।
और इसी खबर पर हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। बलिया से हमारे साथ अखिलेश कुमार जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से हिमांशु जुड़ चुके हैं। जिस तरह से छठे चरण के चुनाव को देखते हुए आज प्रचार थम जाएगा, 3 तारीख को चुनाव है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, आज कौन कौन से दिग्गज जमीन पे उतरेंगे और जनता के बीच प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? बलिया से अखिलेश, क्या जानकारी है? आपको बता दें कि आज छठवां चरण का मतदान के प्रचार के पहिया थम जाएगी। वही बीजेपी से 3 बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और अनुराग ठाकुर। वही सपा के तरफ से अखिलेश यादव का आगमन, जो कि 3 जनसभा को संबोधित करेंगे बलिया से। इसी का मैं रखता हूँ। हिमांशु, जिस तरह से आज प्रचार थम रहा है गोरखपुर में, क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन प्रचार करता दिखेगा आज? क्योंकि यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं, जिससे पूरी पार्टियों ने, सारी पार्टियों ने दमखम लगा दिया है। जबकि सबसे हॉट सीट जो उत्तर प्रदेश की होने वाली है, वो सदर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे खुद सीएम योगी प्रत्याशी हैं। और इस सीट पर सारी पार्टियों ने कल ही अपना रोड शो किया, परसों अखिलेश ने अपना रोड शो किया और योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब देते हुए रोड शो किया है। जी। आज शाम को 5 बजे पूरी तरह से प्रचार प्रसार रुक जाएगा और इसके बाद नेता डोर टू डोर जा करके सबसे वोट की अपील करेंगे। जी अखिलेश, अगर बलिया की बात करी जाए तो बलिया की जनता इस बार क्या चाहती है, जिस तरह से इस बार के कई मुद्दे देखने को मिल रहे हैं यूपी में, बलिया में कौन कौन से अहम मुद्दे जिसको देखते हुए इस बार चुनाव होगा? 2017 में बीजेपी यहाँ से 5 सीटें निकल कर ले गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उपेक्षा और महंगाई, बेरोजगारी और ये जहां या लोकल मुद्दे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करना पड़ेगा और सीटें जो 2017 की अपेक्षा यहां से कम आएंगी। जी, कौन कौन से उम्मीदवारों को उतारा गया है बलिया से बीजेपी द्वारा? बलिया से बीजेपी के उम्मीदवार नगर से दयाशंकर सिंह हैं, सिकंदरपुर विधानसभा से संजय यादव हैं और बैरिया से जो बलिया सदर से जो वर्तमान मंत्री है आनंद शुक्ला, उनका टिकट सदर से काट के बैरिया से लड़ाया गया, जो बैरिया से प्रत्याशी है। वही रसरा से बबन राजभर और बेलथरा विधानसभा से छठू राम प्रत्याशी है बीजेपी के। जी, और क्या यहाँ पे सपा टक्कर दे रही है बाकी पार्टियों का, क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है, क्या बाकी पार्टियां बसपा या कांग्रेस भी टक्कर देती नजर आ रही है बीजेपी को? शिखा जी, आपको बता दें कि बलिया में नगर विधानसभा की स्थिति को हम बता रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री सपा के नारद राय, दोनों में जबरदस्त टक्कर है। ये किस तरफ करवट बदलेगा आने वाले 10 तारीख को ही मालूम होगा। वही सिकंदरपुर विधानसभा की बात कर ली जाए, दूसरी सिकंदरपुर विधानसभा की बात करिए, जहां संजय यादव और जियाउद्दीन रिजवी हैं, तो कहीं ना कहीं वहां ऐसी स्थिति बन रही है। यदि जातिगत आंकड़े लिया जाए तो वहां से सपा मजबूत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरफ का जियाउद्दीन रिजवी का वहां बिहेव है और जिस तरफ एक तरफ से जो बसपा वहां से दलित वोट है, यदि वो बीजेपी का समर्थन करती है संजय यादव को, तो वहां से भी बीजेपी मजबूत नजर आएंगी। और वहीं से रामगोविंद चौधरी, जहां उस 2017 में केतकी सिंह और राम नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के साथ जोरदार टक्कर हुई थी, इस बार भी जोरदार टक्कर होने का, हाँ कहीं ना कहीं सपा मजबूत नजर आ रही है, तो वो फेफना विधानसभा है जहां संग्राम यादव मजबूत नजर आ रहे हैं। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए गोरखपुर में, तो इस बार पहली बार सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चेहरा देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी हमेशा जीतते आए हैं, तो सीएम योगी के सामने बाकी जो दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे बड़ी हिम्मत के साथ, तो क्या लग रहा है कोई ऐसा कैंडिडेट है सपा, बसपा या कांग्रेस द्वारा जो कि सीएम को टक्कर दे सके? आशा जुड़ी हुई है गोरखनाथ से, तो यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं लोग, इसलिए सीएम योगी का टक्कर देना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रावण क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, जा जाकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ बात कर रहे हैं सुभावती शुक्ला की, तो उनके पति चूंकि भाजपा में थे और यहाँ प्रत्याशी भी थे और हार गए थे, तो उसी दुख में वो सपा ज्वाइन की है और यहाँ पे सीएम योगी को टक्कर देना चाहती है, लेकिन कोई असर इसका दिख नहीं रहा।
जी सीएम योगी आदित्यनाथ सभी जगह प्रचार करते हुए भी नजर आए, सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए, और अगर बात करी जाए बाकी दलों की तो वहां के भी बाकी दलों के भी प्रमुख प्रचार करने के लिए उतरे हैं, तो इन प्रचारों का कितना असर देखने को मिलेगा? गोरखपुर में सीएम योगी जिस तरह से प्रचार करे, क्या उनके प्रचार को देखते हुए बाकी दलों के जो दिग्गज प्रचार के लिए उतरे उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? देखिए सदर विधानसभा में तो कोई असर नहीं पड़ता, हाँ ग्रामीण में टक्कर है नितिन सिंह जो भाजपा से प्रत्याशी हैं और यहाँ पे विधायक भी रहे हैं, इसके अलावा विजय बहादुर उनके सपा के हैं उनसे आपस में टक्कर है। अगर बात करी जाए मुद्दों की तो गोरखपुर के मुख्य मुद्दे क्या है जिनको देखते हुए इस बार वोट होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनका जितना वर्चस्व है, जितना उनको जनता प्यार करती है गोरखपुर में, समर्थन देती है, तो इस सबको देखते हुए क्या मुद्दों को भूल जाएगी जनता? मुद्दों को जनता नहीं भूलेगी, हालांकि गोरखपुर में जो डेवलपमेंट हुआ है और जितना भी यूपी की जनता का यही कहना है, गोरखपुर की जनता का यही कहना है कि महिलाओं का यही कहना है कि अपराध मुक्त हुआ है, हम रात में भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं हमको कोई खतरा नहीं होता जो पहले होता था, इसलिए हम योगी को ही वोट देंगे, ये उनका मत है। अखिलेश अगर बात करी जाए बलिया की तो कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे है, बाढ़ आती है तो तब भी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बाकी के जो विकास के मुद्दे होते हैं वो चाहे सड़क निर्माण हो या फिर बिजली का संकट हो, साफ पानी की व्यवस्था का संकट हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए गंदे पानी की निकासी, ये सब जो अहम मुद्दे हैं इनको देखते हुए क्या लगता है क्या इस बार जनता किसी और प्रत्याशी के ऊपर दाव लगाएगी? सिका आपको बता दें, जैसे आपने बाढ़ का जिक्र किया, बलिया दो गंगा और घाघरा दोनों ओर से घिरा हुआ है बलिया, और बाढ़ हर साल आते हैं और इस वजह से हमेशा जनधन का नुकसान होता है, ये मुद्दा बाढ़ एक का मुद्दा है। उसके बाद यहाँ NH-31 सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कों का, सड़कों का स्थिति यह है कि जिस बार बार सत्ता पक्ष को इसके लिए मुट्ठी मुक्की खानी पड़ रही है, और ये सब जो भी मुद्दे हैं विकास और महंगाई और लोकल जो पर्सनली कहा जाए बलिया, बलिया की सड़कों की स्थिति से कहीं ना कहीं ये बीजेपी को नुकसान करेगा। जी अगर बात करें जब विकास की, अगर पूछा जाए कि 5 साल में इस वक्त की मौजूदा सरकार ने बलिया में क्या विकास किया है तो क्या बताया जा सकता है, क्या विकास किया गया है बलिया में? बलिया विकास के मामले में इस बार तो एक चीज, जिस तरह 2012 में अखिलेश यादव की यहाँ सरकार थी तो यहाँ से जनेश्वर सेतु और तमाम जैसे मुद्दे, पब्लिक ग्रोथ यूनिवर्सिटी दिया, ऐसे दिया, ऐसे कोई भी बीजेपी अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको हर अपने जनता के सामने बलिया का लोकल मुद्दे लेकर वोट विकास के मांग करे हो। जी अगर गोरखपुर की बात करी जाए हिमांशु, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है क्योंकि सीएम का गढ़ भी माना जाता है और विकास की बात कहीं भी जाती है, तो क्या लगता है विकास वहां पे जो हुआ है उसको देखते हुए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जीत पाएंगे, क्या बीजेपी के प्रत्याशी जीत पाएंगे, या फिर जो अन्य प्रत्याशी है, जो अन्य दल मुद्दे लेके चल रहे हैं, तो मुद्दों का इस बार असर पड़ने वाला है? देखिए विकास की बात की जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्योंकि सीएम सिटी रहा है तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा है, शहर में आपको दिखा दें हमारे पीछे ये जो रोड आप देख रहे हैं ये इसी समय की डेवलप रोड है, इससे पहले ये 4 फीट की एक रोड हुआ करती थी, 10 फीट की रोड हुआ करती थी, मेडिकल कॉलेज रोड है और एकदम इसका सुंदरीकरण एकदम हो चुका है, आप देख सकते पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसको मॉडल रोड बनाया जा रहा है। जी अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए हिमांशु, तो इस बार किसका टिकट कटा है और कौन से नए चेहरे पे दाव लगाया है सभी दलों ने, नए चेहरों के बारे में जानकारी चाहिए? इस बार राधा मोहन दास अग्रवाल जो यहाँ से नगर विधायक थे जो 2002 से थे उनका टिकट कटा है, उसके बजाय वहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद जो सीएम है उतर रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, उसके अलावा अन्य कोई टिकट नहीं कटा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बलिया से अखिलेश कुमार और गोरखपुर से हिमांशु जुड़े थे। तो छठे चरण का प्रचार आज थमने वाला है, 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव है और इसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, सभी दिग्गज पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जमकर प्रचार प्रसार किया है, जनता से वोट की अपील करी है, खुद के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी। विकास की बात कही गई है, जिस तरह से 5 साल में विकास किया गया है उनको दिखाते हुए वोट की अपील की गई है, और आने वाले समय में भी कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि जिन पर काम किया जाएगा।
साथ ही अपराध पर लगाम लगाने की बात भी कही गई है। कानून व्यवस्था माना जाता है कि पहले से कुछ बेहतर हुई है, हालांकि अगर हम कहें कि समय के साथ जनता जागरूक हो रही है और चीजें बदल रही हैं तो इसका असर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो कानून व्यवस्था में ठीक करा गया है और अपराधियों पर लगाम लगाई, इसको देखते हुए भी और इन मुद्दों को उठाते हुए भी लगातार बीजेपी वोट की अपील कर रही है। तो वहीं विकास के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, महिलाओं का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे जो इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे भी कई मुद्दे सामने आए जो कि इससे पहले नहीं थे। वहीं फ्री वाली राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, वो चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली हो, मुफ्त राशन हो या फिर लैपटॉप टैबलेट स्कूटी देने की बात कही गई हो। साथ ही महिलाओं को इस बार लेके आगे चला जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से प्रमुखता से महिलाओं का मुद्दा उठाया गया, नारा दिया गया खासतौर से महिलाओं के लिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इन तरह के नारे के साथ और महिलाओं के लिए जितने भी मैनिफेस्टो जारी करे गए हैं, युवाओं के लिए मैनिफेस्टो जारी करे गए हैं, सभी दलों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, दावे वादे हो रहे हैं। अगर बात करी जाए बीएसपी की तो बीएसपी भी इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पिछले चुनावों की बात करी जाए तो बीएसपी कहीं गायब सी हो गई थी, लेकिन इस बार बीएसपी जरूर नजर आ रही है लेकिन कुछ देर से सामने आई है। पहले दूसरे चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद उनकी जनसभाएं शुरू हुई, जनता के बीच मौजूदगी उनकी दर्ज हुई और इस तरह की से जिस तरह की दूरी बना के रखी है उन्होंने बीएसपी ने, बीएसपी प्रमुख मायावती ने जनता से, तो कहीं ना कहीं इसका असर बीएसपी को जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर बात करी जाए बाकी दलों की तो बीजेपी और सपा दोनों ही ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करते आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हालांकि पांच चरण के बाद राहुल गांधी को भी उतारा गया प्रचार के लिए और सोनिया गांधी भी वर्चुअल माध्यम से एक बार कार्यकर्ताओं को संबोधित करती नजर आई। सोनिया गांधी वर्चुअल माध्यम से नजर आई और वहीं प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी लगातार जनता के बीच में मौजूद रही हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश करती रही हैं। इस बार का जो यूपी चुनाव रहा है उससे पहले उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, वो चाहे हाथरस का मुद्दा हो वहां पर भी मौजूद हुई, वहां पर भी पहुंची, लखीमपुर खीरी का मामला हो तो बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई, कई मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी भी अगर बात करी जाए देश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुद्दे उठाते हैं, वो चाहे बेरोजगारी का हो या फिर महंगाई का हो, प्रमुखता से मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन अगर जनता के बीच किसी ने उपस्थिति दर्ज कराई कांग्रेस में तो वो प्रियंका गांधी हैं, कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जो खोया वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में उसको लौटाने की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस की पहचान एक बार फिर बनाने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका। लेकिन इसका कुछ खास असर होता नहीं नजर आ रहा, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कह रहे हैं कि इसका सीधा असर 24 के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अपनी एक जमीन तैयार कर रही हैं आने वाले चुनावों के लिए। इस बार के चुनावों के लिए भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई, जिस तरह का मैनिफेस्टो लाई, जिस तरह से प्रियंका ने इस बार मुद्दे उठाए हैं, जनता के बीच मौजूद रही, लगातार बैक टू बैक दौरे करे उत्तर प्रदेश, उनका लगातार आना रहा, जनता के बीच मौजूदगी उनकी जो दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति संभालने की एक कोशिश है। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो मजबूत पार्टियां नजर आ रही हैं, एक बीजेपी एक सपा। बीएसपी की बात करी जाए तो उसका जो वोट बैंक था, जो वर्चस्व था, कहीं ना कहीं अनुपस्थिति की वजह से, मायावती की अनुपस्थिति की वजह से वो कहीं ना कहीं खोता नजर आ रहा है। जो मुख्य वोटर माने जाते थे बीएसपी के, उनका भी बिखराव हो गया है, बड़े चेहरों को देखते हुए कुछ वोटर बीजेपी की तरफ चले गए हैं तो कुछ सपा की नीतियों से खुश होके सपा के साथ आ गए हैं, तो कांग्रेस की तरफ भी कुछ वोटर जाते हैं। कांग्रेस की तरफ हर जाति धर्म का वोटर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा गया है जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती राजनीति कहीं ना कहीं दिखती है। और यही देखा जाए तो बीएसपी को भी इस बार कुछ नुकसान नजर आ रहा है, कांग्रेस को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसीलिए माना जा रहा है कि दो मुख्य पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। छोटे छोटे दलों की किस्मत भी दांव पे लगी हुई है, छोटे दलों ने जिस तरह से गठबंधन किया है बीजेपी और सपा के द्वारा सपा के साथ, तो उनकी किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। तो क्या ये छोटे दल करिश्मा कर पाएंगे, क्या बीजेपी सपा में ही कांटे की टक्कर रहेगी, कांग्रेस और बीएसपी कितने वोट लेके जा पाती है, इन सब सवालों के जवाब हमें 10 तारीख को पता चलेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आकलन किया जा सकता है। और ये आकलन जिस तरह से बीजेपी अपनी मजबूती दिखा रही है, क्या सच में इतनी मजबूती है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो क्या इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार फिर सत्ता दोहराई जा सके, या फिर जिस तरह से अखिलेश ने इस बार प्रदर्शन किया है,
कई दलों के साथ गठबंधन किया, साथ ही कई बड़े चेहरे बीजेपी और कांग्रेस का दामन छोड़ के, बीएसपी का दामन छोड़ के सपा में जो शामिल हुए हैं, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? जनता क्या उन प्रत्याशियों को देख के वोट करेगी जिन्हें इस बार चुनाव में उतारा गया है? कई सवाल है जिनका जवाब पाने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। हालांकि हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, जनता का मूड समझते हुए, जनता से बात करते हुए, पार्टियों के मुद्दे उठाए जो जा रहे हैं उनको देखते हुए हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं। लेकिन जनता जो कि कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती नहीं है कि किसको वोट दे रही है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो वो काफी चौंकाने वाला होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जरूरत है इंतजार करने की, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और इन मुद्दों पे जनता क्या फैसला लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करी जाए दलों की, तो दलों ने काफी सोच विचार करके, जनता की परेशानियों को देखते हुए इस बार लोक लुभावने वादे किए हैं, मैनिफेस्टो जारी किया है जो कि जनता को काफी पसंद आएगा। मुफ्त शिक्षा की बात करी गई है, बीजेपी सपा दोनों की तरफ से कन्याओं के लिए पढ़ाई से लेके सुरक्षा से लेके लैपटॉप स्कूटी देने तक की बात कही गई है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि लुभा रही है जनता को, लुभाएगी भी आगे चल के भी। और मुफ्त राशन जिस तरह से दिया गया, हालांकि कोरोना की स्थिति हमने देखी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी हमने देखी, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये चीजें अहम थी। जो भी सत्ता में रहेगा उसका कर्तव्य है कि वो जनता के हित में काम करे। जनता को अगर परेशानी हो रही है, वो चाहे राशन से संबंधित है या फिर रोजगार से संबंधित है या फिर विकास नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, शिक्षा सुविधा बेहतर नहीं है, उनको बेहतर करने का काम सरकार का है। लेकिन अगर सरकार इसमें असफल रहती है तो जनता कुछ ना कुछ निर्णय लेती है। और अब हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पे। राहुल, क्या कुछ जानकारी, अंबेडकर नगर के इस वक्त मुद्दे क्या है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंबेडकर नगर में बेरोजगारी और सड़क जर्जर सड़क को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी 5 सालों में कोई भी खास विकास देखने को नहीं मिला है जमीनी हकीकत पर। जी राहुल, अगर बात करी जाए प्रचार से संबंधित, तो आज आखिरी दिन है छठे चरण के प्रचार का, तो आज कौन कौन से दिग्गज प्रचार करने के लिए अंबेडकर नगर पहुंचने वाले हैं? आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो विधानसभा क्षेत्र के महारुआ में रोड शो करेंगे और जलालपुर में रामगढ़ में रोड शो करेंगे 12:30 बजे और 11 बजे महारुआ में रोड शो करेंगे। ये दो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। कटेहरी से अवधेश द्विवेदी हैं और जलालपुर से सुभाष राय हैं। जी, अगर बात करी जाए अंबेडकर नगर में कांटे की टक्कर की, तो पूरे यूपी में तो जिस तरह से बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कहीं किसी विधानसभा सीट पे बीएसपी या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? जी, अगर हम कटेहरी की बात करें, कटेहरी सबसे हॉट सीट मानी जाती है। कटेहरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। और अगर अन्य 4 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सपा और बसपा का टक्कर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता राहुल जुड़े थे। तो कांटे की टक्कर तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करी जाए बीएसपी कांग्रेस की, तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और हर जगह से समीकरण बैठाते हुए सभी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। कई नए चेहरों पे भी भरोसा जताया है कांग्रेस और बीएसपी ने, तो वहीं बीजेपी ने अपने ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही दाव खेला है और कुछ लोगों के टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन नए चेहरों में बहुत कम लोगों पर ही दाव लगाया गया है। सपा ने भी काफी सोच विचार करके कुछ ऐसे चेहरों का टिकट काटा है जो दागी कहे जाते थे, कहा जाता था जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, तो उन लोगों पे भरोसा कम जताया गया है। लेकिन पूरा समीकरण देखा जाए तो जातिगत आधार पर, जिस तरह से कहा जाए, डिमांड को देखते हुए, जनता की डिमांड को देखते हुए ही प्रत्याशियों को उतारा गया है। या तो जिसका काम बेहतर है या फिर जनता का समर्थन जिसे मिल रहा है, वो चाहे काम को देखते हुए या फिर जातिगत या धार्मिक आधार पर, इन सब चीजों को देखते हुए ही इस बार सभी को टिकट दिया गया है।
तो आज 10 जिलों की 57 सीटों पर प्रचार थमने वाला है और उसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शाम तक ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं देखने को मिलेंगी। छठे चरण के बाद आएगा सातवां चरण। सातवें चरण में जो चुनाव होने हैं वो भी काफी अहम है, क्योंकि छठा चरण जब आज समाप्त हो जाएगा, कल से शुरू होगा सातवें चरण का प्रचार, और सातवें चरण का प्रचार 5 तारीख तक रहेगा और 5 तारीख तक ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी है सभी दलों ने और लगातार अपनी पार्टियों की नीतियां बता रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जो फैसला करेगी वो कई मुद्दों को देखते हुए करेगी। इस बार अगर बात करी जाए जनता की, तो कुछ जनता खुश भी है तो कुछ नाखुश भी है। दोनों तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कुछ सरकार के काम से खुश नजर आए, कुछ नाखुश नजर आए। हमारे संवाददाताओं ने जनता से बात करी है, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करी, तो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो कुछ चाहते हैं कि सत्ता दोहराए, जो विकास कार्य अभी तक किए हैं उनको ही आगे बढ़ाया जाए, और जिस तरह से अभी बाकी जो भी काम बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि अगर हम दोबारा से सरकार बनाते हैं तो जो मुद्दे अभी भी हैं उनको उठाया जाएगा, जो विकास रुका हुआ है उसको पूरा किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतरीन कदम है वो सब उठाए जाएंगे। रोजगार देने की बात भी करी जा रही है। युवा इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर ध्यान दे रहा है तो वो रोजगार है। बीजेपी के द्वारा, मौजूदा वक्त की सरकार द्वारा ये कहा गया कि 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दिए गए, कई क्षेत्रों में काम किया गया, वो चाहे गरीबों को कुशल बनाना हो, आत्मनिर्भर बनाना हो, कई क्षेत्रों की बात करी गई है। और लेकिन विपक्ष अभी भी इन मुद्दों को उठाता है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो भी बातें कही गई हैं वो झूठे वादे हैं, और ये बहलाने की एक तरकीब है। विपक्ष इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, कहा जा रहा है कि जितनी भी नौकरी रोजगार देने की बात कही गई है ये सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ कागजों पर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सरकार दावा कर रही है और मौजूदा सरकार ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो तमाम दावे वादे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करी जाए रोजगार की, तो रोजगार तभी अच्छा मिल सकता है जब अच्छी शिक्षा हो। अच्छी शिक्षा पे भी ध्यान देने की बात कही गई, खास तौर से बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिलों की 57 सीटों पर आज प्रचार थमेगा। कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर रहेगी, दिग्गजों को उतारा गया है, और इस बार के चरण में अगर सबसे बड़ा और अहम चेहरा अगर कोई है तो वो गोरखपुर की सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं बलिया से स्वाति सिंह के पति, जिनको लखनऊ सदर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, उतारने की बात कही जा रही थी, लेकिन स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन उनके पति को जरूर टिकट दिया गया है बलिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई बड़े चेहरे हैं जो कि इस बार चर्चा में रहेंगे, छठे चरण के चुनाव में चर्चा का विषय बनेंगे। और आज जब प्रचार थम रहा है तो कई दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अंबेडकर नगर में जहां डिप्टी सीएम प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं शाम 6 बजे तक जब प्रचार थमेगा तो तब तक सभी दिग्गज जहां जहां पे भी अभी तक जिस भी विधानसभा में रैली नहीं हुई है या जनसभा नहीं हुई है, जिस जिले में अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं कोई दिग्गज चेहरे, वो आज पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि कई ऐसे मुद्दे थे जिनको भुनाने की कोशिश करी गई है इस चुनाव में, वो चाहे विपक्ष के द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किसानों की समस्याएं हो, इन सब को भी उठाया गया है। लखीमपुर का मुद्दा भी उठाया गया उत्तर प्रदेश के इन चरणों के 7 चरणों के चुनाव में। और बीजेपी की बात करी जाए तो वो राम मंदिर का मुद्दा हो, अपराधियों का मुद्दा हो, कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको भुनाने की पूरी कोशिश करी गई है। रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, अपराधियों का मुद्दा, तो मुद्दों को लेकर ये राजनीति चल रही है। विकास के दावे वादे किए जा रहे हैं, फ्री राशन वाली बात भी कही गई है। आपको बता दें कि छुट्टा जानवरों को लेकर भी काफी समस्याएं देखने को मिली हैं, जिनको देखकर वोट करे गए हैं इस बार।
और इस खबर पे हमारे साथ अब ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि प्रकाश जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। रवि, जिस तरह के इस बार मुद्दे देखने को मिल रहे हैं सिद्धार्थनगर में, कौन कौन से अहम मुद्दे जिसको देखते हुए जनता इस बार वोट करने वाली है? जी शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि इस बार कुल मिलाकर के महंगाई बेरोजगारी ही एक मुख्य मुद्दा लोगों के सामने आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं जी। और विकास की रही बात तो विकास भी सिद्धार्थनगर जनपद में हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का चाहे निर्माण हो, चाहे सड़कों के उच्चीकरण मरम्मतीकरण का कार्य हो, ये लगातार होते आ रहे हैं। लेकिन छोटा पशु, महंगाई और बेरोजगारी, ये लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के प्रत्याशी उसको समझाने में लगे हुए हैं कि हाँ कुछ कोरोना काल था या और सारी समस्याएं थी, आगे इन सबका निदान किया जाएगा। जी रवि, सिद्धार्थनगर में कई बड़े दिग्गज उतरे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा बड़े चेहरों ने, तो क्या अहम मुद्दे कौन से उठाए सिद्धार्थनगर के जो कि विपक्ष को लेकर निशाना भी साधते हुए नजर आए बीजेपी के बड़े नेता? जी आपको बताते चले कि कल राष्ट्रीय गृह मंत्री जो हमारे भारत के हैं अमित शाह जी का आगमन हुआ था इटवा विधानसभा क्षेत्र में जी। इन्होंने सपा पर भी जमकर तंज कसा था। इन्होंने कहा था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो चश्मा पहनते हैं, एक पर केवल उनको एक जात दिखाई देती है और दूसरा एक जात का केवल उन्हें विकास दिखाई देता है जी। ऐसे में विपक्ष पर जहां निशाना साधा, वहीं पर केंद्र सरकार की बीजेपी की उपलब्धियां और योगी सरकार की उपलब्धियों को जमकर गिनाया इन्होंने जी। रवि, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष कौन से मुद्दे उठाता हुआ नजर आया सिद्धार्थनगर में लेकर के? फिर उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों को लेकर के विपक्ष जम करके तंज कस रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव का भी इटवा में आगमन हुआ। फिर देखा जाए तो आज प्रियंका गांधी आ रही हैं इटवा विधानसभा क्षेत्र में जी। अगर बात करी जाए विधानसभाओं की, तो कौन कौन से विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है? जी अगर देखा जाए सिद्धार्थनगर जनपद में अगले विधानसभा में पांचों सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो जम करके एक तरह से मुकाबला कर रही हैं। और यहां पर दो दो मंत्री भी रहे हैं इटवा विधानसभा क्षेत्र से और बांसी विधानसभा क्षेत्र से, जो यूपी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे, एक स्वतंत्र प्रभार के थे, बेसिक शिक्षा मंत्री थे और एक परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री थे। यहाँ दोनों जगहों पर विशेष टक्कर अन्य पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि प्रकाश जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, ये ऐसी सीटें हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं और यहाँ पे चुनाव होना है छठे चरण में। आज शाम यहाँ प्रचार थम जाएगा और प्रचार थमने के साथ ही अगले चरण की तैयारी में सभी दल जुट जाएंगे। आज बात करी जाए तो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सीएम योगी, डिप्टी सीएम, सभी के दौरे संभावित हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करी जाए छठे चरण के चुनाव में प्रचार की, तो पीएम मोदी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव यानी महादेव माना गया है। भगवान शिव की बारात गली गली निकलती है, हर तरफ चहल पहल रहती है, भक्त अपनी मस्ती में चूर नजर आते हैं। देश के कोने कोने में भगवान शिव की आराधना होती है और महाशिवरात्रि के खास दिन में शिव का त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव के श्रद्धालु सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग शिव जी को मानते हैं। इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए
कांवड़ लेकर आते हैं, गंगा के शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीजों भांग धतूरा और फल चढ़ाए फल फूल चढ़ाए जाते हैं। भक्त इस दिन शिव की उपासना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। मंदिरों को आज भव्य तरीके से सजाया गया है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। भक्तों का जलाभिषेक करा जाता है, लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है जल चढ़ाने के लिए। अगर बात करी जाए बनारस की, तो बनारस में भी आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से भक्त दूर दूर से आ रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बनारस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां का सबसे ज्यादा महत्व है। गंगा जल भरते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं कांवड़िए, गंगा जल पहले गंगा से भरते हैं, उसके बाद शिव जी पर अर्पित करने के लिए लंबी कतारों में लग के, यानी कि बीती रात से ही लंबी कतारें लग जाती हैं, एक दिन पहले से ही लंबी कतारें लग जाती हैं। और जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, लोग दर्शन करने के लिए जल अभिषेक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश में हर तरफ बम बम भोले के नारे सुनाई दे रहे हैं और मंदिरों में जिस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं में जो आस्था देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं भक्ति दर्शा रही है लोगों की। इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से, राम की नगरी अयोध्या से। राघवेंद्र, राम की नगरी कही जाती है अयोध्या, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जब रेडी हुए ना, जब स्क्रीन पर आवे लगे तो राघवेंद्र आप मुझे सारा बता दे आपको। मैं अयोध्या के महामंडलेश्वर मंदिर पे मौजूद हूँ जी, और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि भक्तों का पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा है, जनसैलाब है। और सुबह से आपको बता दें कि सुबह से यहाँ पे महामंडलेश्वर मंदिर पे जी राघवेंद्र, भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें भगवान को अर्पित करते नजर आ रहे हैं सुबह से? बिल्कुल, आज का अगर बात की जाए कि शिव को मनाने की या उनको रिझाने की, तो यहाँ पे भक्त जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक में बेलपत्र होते हैं, गन्ने का रस होता है, दूध होता है और फूल होते हैं, अगरबत्ती से इनका जला और दूध अभिषेक किया जा रहा है। जी जी, अगर बात करी जाए भक्तों से, तो भक्तों से आप बात करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। अगर मैं सीधा आपको मंदिर के स्लॉट दिखाना चाहूंगा कि मंदिर में किस तरीके की भीड़ चल रही है और यहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर के अंदर बिल्कुल अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे पूरा का पूरा हुजूम एक उमड़ा पड़ा है। मंदिर में अगर बात करी जाए भक्तों की, तो भक्त आज प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भगवान शिव को, और जिस तरह से मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है, हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं कि मंदिर को किस तरह से सजाया गया है फूल मालाओं से, और भक्त क्या कुछ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, कतारों में लंबी कतारों में लगे हुए हैं, उनके हाथ में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ तरीके के भक्त जो हैं यहाँ पे लाइन में लगे हैं। और इस मंदिर में अगर यहाँ की मंदिर की मान्यता है, बात की जाए तो ये ढाई वर्ष लगभग पुराना मंदिर है, जो कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था। शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। जी सीखा जी, भगवान के प्रति भक्तों में जो आस्था देखने को मिलती है और यहाँ पे जो मान्यता है, क्या यहाँ पे आके भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाएगी मान्यता यहाँ की, तो मान्यता के बारे में मैं आइए यहाँ के भक्तों से बात करता हूँ कि यहाँ की मान्यता क्या है। माता जी आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है, यहाँ की क्या मान्यता है और क्या हो सकता है पूरा?
हमारा मानता पूरा है जी, भोलेनाथ का दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन हो, मानता पूरी हो आपकी। तो जीका हमारे साथ में यहाँ के हैं महाराज जी, मंदिर की क्या विशेषता है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है क्या? जनता जब जान पाई है तो आज अपने देश के साथ ये भेंट हो चुकी है और जिसका यहाँ संभालना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो बिल्कुल जिसका बात की जाएगी तो हमारे साथ में एक भक्त और हैं जो कि इनसे हम बात करेंगे। मंदिर की स्थापना के बारे में आप बताइए और यहाँ की क्या शिव के यहाँ पे कब दर्शन शिवलिंग का और मंदिर की विशेषता क्या है? अब हम जब से पैदा हुए हैं तभी से देख रहे हैं मंदिर बना हुआ। यहाँ की जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मान्यता ये है, वो लोग बताते हैं कि ये मूर्ति कई जमाने से, मतलब ये अपने आप कट रही है, यहाँ पे कोई वो नहीं किया हुआ है और राजा विक्रमादित्य के जमाने से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई है और श्रद्धालुओं का धीरे धीरे, पहले यहाँ पे कोई वो नहीं था लेकिन श्रद्धालुओं का अब जागरूक हुए हैं और काफी भीड़, शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ रहती है, लगभग हजारों के आदमी उनका महिलाएं सब आती हैं और यहाँ की मान्यता है कि जो भी दर्शन करता है उनकी मान्यता पूरी होती है। तो बिल्कुल ठीका जिस तरीके बात की जाए कि यहाँ आकर पूरी होती है तो आप देख सकती हैं कि ये पूजा की थाली भक्त कैसे सजा करके और अपने घरों के लिए, घरों से मंदिर के लिए निकले हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का खास महत्व बताते हुए नजर आए हैं भक्त। अगर बात करी जाए और मंदिरों की, अयोध्या में जो और मंदिर है शिव जी के मंदिर, उसमें कौन कौन से मंदिर शामिल है जहां शिवरात्रि के दिन खास तौर पे भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिलता है? राघवेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र, अगर बात करी जाए अयोध्या में शिव मंदिरों की तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं अयोध्या में, लेकिन शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा भीड़ कौन कौन से मंदिरों में देखने को मिलती है अयोध्या के? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में जितने भी प्राण मंदिर, सारे के सारे मंदिरों में सुबह से जो है वो जन सैलाब शिव भक्तों का लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात नागेश्वर नाथ की अगर बात करें तो सरयू में स्नान करने के बाद भक्त जो है वो नागेश्वर नाथ में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे जो मंदिर में मौजूद थे, उन्होंने एक बहुत प्राचीन मंदिर के सभी को दर्शन भी कराए और वहां पे भक्तों से भी जाना कि आखिर इसकी क्या मान्यता है और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन पूजा करने का कितना महत्व होता है। आज के दिन छोटे से छोटे शिवालय या फिर कोई प्रार्थित शिवालय में भी जाके पूजा करने का एक अपना ही अलग महत्व है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इन्हीं सबको देखते हुए आज भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही, सुबह से क्यों कहें, अगर हम कहें एक महीने से कई कांवड़िए हैं जो कि कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, वहां से गंगा जल भरते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह रुद्राभिषेक किया, रुद्राभिषेक की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश के हर एक कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे भगवान शिव के भव्य मंदिर हैं और मंदिरों की, हर एक मंदिर की अपनी एक अलग महत्वता है और भक्त आज अपने करीबी मंदिरों में भी जाके जलाभिषेक कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग दूर दराज के बड़े बड़े मंदिरों में जाके भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। हर एक मंदिर का अपना एक महत्व है और इसी महत्व की वजह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिरों में जा रहे हैं, बेलपत्र, तिल, शहद, गंदे का रस, गंगा जल, तमाम चीजें जो भगवान शिव को प्रिय हैं वो अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक लोग करवा रहे हैं आज अपने आवास पे, अपने
कर्म भूमि पे सभी जगह आज भगवान शिव को पूजा जा रहा है और ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि की रात में जागा जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, पूरी रात जाग के उन्हें प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आज लोग। भगवान के प्रति जो आस्था का सैलाब उमड़ता दिख रहा है मंदिरों में, रात के 3 बजे से लोग कई कई मंदिरों में लाइन में लगे रहते हैं। जैसे ही पट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं भगवान के मंदिर के, वैसे ही लोग दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग दूर दूर जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी जाते हैं। अगर बात करें जब उत्तराखंड में कई प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। देश के अलग अलग कोने में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाते हैं, वाराणसी में जाते हैं, सुबह स्नान करते हैं गंगा जी में, वहाँ पे गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जल लेके सीधा भगवान को अर्पित करने, उनको खुश करने जाते हैं। महत्व अपना अपना है और हर जगह एक अलग ही तरह से पूजा अर्चना देखने को मिल रही है सभी का, लेकिन उद्देश्य एक है, भगवान शिव को प्रसन्न करना। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस